हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ चंबा की। हिस्ट्री ऑफ चंबा का एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आप में से कुछ ने या कईयों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली उसे भी आप देखें, ताकि आपको सिक्वेंस या समझ आए जिससे जिस तरीके से बातें हुई हैं, घटित हुई हैं। तो जो पार्ट था हमने छोड़ा था साहिल वर्मन के ऊपर, इस वीडियो में हम साहिल वर्मन से बात करेंगे स्टार्ट। तो साहिल वर्मन जो था वो राजा, साहिल वर्मन की हम बात करें तो साहिल वर्मन जो राजा थे वो चंबा के एक बहुत महान राजा रहे, और वो जो उनका संस्थापक था चंबा का संस्थापक राजा था मारू वर्मन, और उसके बाद वो बने 20वें राजा। चंबा के संस्थापक 20वें राजा के बाद, मारू के बाद वो 20वें राजा थे। उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को भरमौर से, जो कैपिटल थी पहले चंबा में, वो चंबा को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो ट्रांसफ़र क्यों किया, वो ट्रांसफ़र किया उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर अपनी राजधानी बनाने के लिए। चंबा को अपनी सुरक्षित जगह पर राजधानी बनाने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र किया, और इसके लिए क्या किया गया, चंबा को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि वो साल और रावी नदी का जंक्शन था, वहाँ पर मिलती थी आपस में, एक सेफ प्लेस था। और उसका सुझाव दिया था उसकी बेटी चंपावती ने, चंपावती के सुझाव पर ये राजधानी वहाँ ट्रांसफ़र की गई, तो इसीलिए इसका नाम चंपा बाद में पड़ता पड़ता वो चंबा पड़ गया। तो जो साहिल वर्मन थे उनकी कुछ संतान नहीं थी, तो उसके शासनकाल में एक योगी चरपटनाथ वहाँ आए, उसके साथ उसके 84 मतलब कुल मिला के 84 योगी आए थे, और उनका मुखिया था चरपटनाथ था। चरपटनाथ उनके शासनकाल में आए थे, साहिल वर्मन की कोई संतान नहीं थी, तो चरपटनाथ ने साहिल वर्मन को संतान का वर दिया, आशीर्वाद दिया, और उसके आशीर्वाद से साहिल वर्मन को 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। 10 पुत्र हुए और 1 पुत्री, पुत्री का नाम रखा गया चंपावती, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसके सुझाव पर चंबा की स्थापना हुई, राजधानी चंबा को ट्रांसफ़र की गई। तो एक संयोग रहेगा ये कि जो चंबा है वो भी 84 ही भागों में बांटा गया है। अगर हम उसको बांटने के हिसाब से बांध करें तो चंबा को 84 भागों में बांटा जा सकता है, और चंबा में 84 ही मंदिर हैं, सारे वो उन सभी योगियों को समर्पित हैं। चंबा, क्योंकि साहिल वर्मन के जो संतानें थी वो उनके आशीर्वाद से हुई थी, योगी के आशीर्वाद की हुई थी, तो योगी चरपटनाथ को समर्पित सिक्के भी चलाए गए थे साहिल वर्मन के समय। योगी चरपटनाथ को समर्पित सिक्के भी चलाए गए, चकली के सिक्के चलाए गए थे, तांबे के सिक्के, वो किसके समय चलाए गए थे, साहिल वर्मन के समय। अब उसमें उसके बाद अगर बात करें तो जो चंबा जब बसाया गया तो वहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत थी, बसरते वो नदी के किनारे था, लेकिन वहाँ पर जो शहर है उसमें पानी की बहुत समस्या थी। एक वहाँ पर साथ में एक नाला है सरहोता नाला, सरहोता नाला से पानी लाने के बड़े प्रयास किए गए, बहुत से कूल्हें वहाँ से बनाए गए, लेकिन पानी वो शहर तक नहीं पहुँच पाया, राजधानी तक नहीं पहुँच पाया। तो इसके लिए जो नैना देवी थी, जो रानी थी साहिल वर्मन की, उसने पेशकश की खुद को दफनाने की, बलि देने की, और नैना देवी को दफना दिया गया ताकि शहर में पानी आ सके। तो उसके बाद जब वो दफनाई गई, देवी हस्तक्षेप हुआ और पानी शहर में पहुंच गया, और आज तक चंबा में पानी की कोई कमी नहीं आती है। लेकिन इसकी याद में रानी नैना देवी की याद में चंबा में एक मेला शुरू किया गया, उस मेले को हम कहते हैं सूही मेला। ये अप्रैल महीने में होता है, 11 से 13 अप्रैल के बीच में होता है ये, और इसमें सिर्फ क्या होता है, औरतें और छोटे छोटे बच्चे ही भाग ले सकते हैं, बाकी बड़े नहीं भाग ले सकते हैं मेल। तो यही सूही मेले की बात। उसके बाद एक और चीज़ कि जो साहिल वर्मन था उसकी जो पुत्री थी चंपावती, बहुत धार्मिक विचारों की थी, और वो योगी के साथ, जो योगी थे कोई, एक योगी था कोई, उसके साथ वो ध्यान लगाने को जाती थी, लेकिन राजा को उसके ऊपर शक हो गया, और राजा ने क्या किया, उसका पीछा किया। लेकिन जैसे ही वो पीछा किया और वहाँ पहुँचा, और उस लड़की ने जो चंपावती थी उसने देखा कि मेरा फादर जो है, मेरा पिता मुझ पर शक कर रहा है, तो वो क्या होगी, अदृश्य होगी, वो गायब हो गई। और उसकी याद में
साहिल वर्मा ने एक मंदिर बनवाया, चंपावती मंदिर। साहिल वर्मा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाया, चंद्रगुप्त मंदिर भी बनवाया, कामेश्वर मंदिर, विष्णु चंद्रशेखर गुप्त चंद्रशेखर मंदिर भी ये साहिल वर्मन के द्वारा ही बनाए गए थे। साहिल वर्मन बहुत धार्मिक विचारों वाला एक इंसान था और उन्होंने अपने पुत्र युगांकर वर्मन के लिए सिंहासन को छोड़ दिया, स्वयं जो है भरमौर को चले गए संन्यास लेके। तो युगांकर वर्मन के लिए उसने सिंहासन खुद ही छोड़ दिया। लक्ष्मीनारायण मंदिर की भी एक स्टोरी है। लक्ष्मीनारायण मंदिर जब बन रहा था तो लक्ष्मीनारायण मंदिर बनाने के लिए जो मार्बल था उसको मंगवाने के लिए उसने अपने सभी पुत्रों को भेजा, राजकुमारों को भेजा, जो 9 राजकुमार थे उनको भेजा। वो मार्बल लेके आए, 10 राजकुमार थे, एक नहीं गया। वो मार्बल लेकर आए, लेकिन जब वो मार्बल लेकर आए उस मंदिर के लिए तो उस पर मेंढक की जो एक फ्रॉग होता है जैसे, उसकी एक छाप जैसी नज़र आई, तो ये पाया गया कि वो अशुभ है मंदिर के लिए। तो दोबारा उन राजकुमारों को भेजा गया। रास्ते में उन राजकुमारों को क्या हुआ, डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने क्या किया, उनको लूट लिया और साथ में सारे के सारे 9 के 9 राजकुमार कर दिए, मार दिए उन डाकुओं ने। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो सारे 9 राजकुमार मर गए तो जो युगांकर वर्मन था इसको भेजा गया और इस ये जो था वापिस मार्बल लेकर आया इस मंदिर के लिए, लक्ष्मीनारायण मंदिर के लिए। तो उसके बाद लक्ष्मीनारायण को राज के देव बनाया गया। साहिल वर्मन के समय लक्ष्मीनारायण को राज के देव बनाया गया और साथ में वैष्णव जो था संप्रदाय बना राज्य का, वैष्णव संप्रदाय बन गया राज्य का। तो ये तो था साहिल वर्मन के बारे में। इसका आगे हम बात करें तो इसका जो पुत्र था युगांकर वर्मन, ये राजा बना। इसके हम जो है मेन राजाओं की बात ही करेंगे। इसकी जो शादी थी युगांकर वर्मन की त्रिभुवन रेखा से हुई, जिसने भरमौर में नाहर सिंह टेम्पल बनवाया। ये इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, नाहर सिंह मंदिर का ये आ सकता है एग्जाम में। उसका कहते हैं मेन एक अगला जो किंग था वो था सालवाहन वर्मन। सालवाहन वर्मन 26वां राजा था। इसके शासनकाल में क्या हुआ, जो बसौली जम्मू का एक राजा था अनंतदेव, उसने आक्रमण कर दिया 1060 में और सालवाहन वर्मन को हरा दिया। सालवाहन वर्मन हार गया और उसकी जगह उसकी संतान को सोमदेव वर्मन को उस साल अनंतदेव ने उसकी जगह राजा बना दिया और सोमदेव वर्मन को जम्मू को राज कर देना पड़ा। उसके बाद अगला जो राजा था मेन राजा था वो था ललित वर्मन। ललित वर्मन केस में की खास बात है कि देवरी कोठी और सेचू नाला या इसके यहाँ पर इसके नाम के ललित वर्मन के नाम के दो शिलालेख पाए गए हैं, दो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। उसके बाद आती है बात विजय वर्मन। अगला राजा जो मेन था वो था विजय वर्मन। विजय वर्मन केस में के हुआ जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने बहुत आक्रमण किए थे उस टाइम। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण उसमें क्या था, अव्यवस्था फैली थी और उस अव्यवस्था का फ़ायदा क्या हुआ, विजय वर्मन ने उठाया और उसने लद्दाख तक विजय हासिल कर ली और लद्दाख तक चंबा को राज को पहुंचा दिया। तो ये हुई विजय वर्मन की बात। अब अगले राजा की हम बात करें तो अगला राजा था वो था आनंद वर्मन। आनंद वर्मन की ऐसा माना जाता है, आनंद वर्मन के पास उसके पास जादू की शक्ति थी, वो जादू जानता था ऐसा माना जाता है। आनंद वर्मन के बाद अगर हम बात करें गणेश वर्मन की, गणेश वर्मन एक अगला राजा था। उसकी खास उसके समय की खास बात की क्या थी कि जो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह थे, कुल्लू के राजा बहादुर सिंह की वो समकालीन था गणेश वर्मन। और कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने अपनी तीन पुत्रियों का, तीन राजकुमारियों का विवाह किया गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन से। प्रताप सिंह वर्मन से गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन जो गणेश वर्मन का पुत्र था उससे कुल्लू के राजा की तीन पुत्रियों का, तीन राजकुमारियों का विवाह किया गया। अब बात करते हैं हम प्रताप सिंह वर्मन के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि इससे पहले जितने भी राजा थे उनके पीछे नाम क्या था, आनंद वर्मन, गणेश वर्मन, इसके नाम के साथ क्या है, प्रताप सिंह वर्मन। तो इसने अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया। 1559 में प्रताप पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ वर्मन के पहले सिंह लगाया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके समय जो होल क्षेत्र था वहाँ पर तांबे की खदानों की खोज हुई।
प्रताप सिंह वर्मन था, इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित कई मंदिरों की मरम्मत वगैरह करवाई, तो उस मरम्मत के लिए इस इन तांबे के खानों से उसे पैसा मिल गया। और ये जो प्रताप सिंह वर्मन था ये अकबर का समकालीन था, अकबर का कंटेम्प्रेरी था, अकबर का समकालीन था। अब अकबर के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो अकबर जब कांगड़ा साइड आया था तो उसने जो रेहलू क्षेत्र है चंबा का, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, चारी और घरोही रीजन जो थे ये टोडरमल ने अकबर के नाम कर दिए थे, मतलब ये सारे अकबर के पास चले गए थे, तो चंबा को ये छोड़ने पड़े थे क्योंकि ये उसका समकालीन था। तो चंबा को अपने रेहलू, चारी और घरोह क्षेत्र अकबर के लिए छोड़ने पड़े। उसके बाद जो अगला मेन राजा था वो था बलभद्र सिंह वर्मन। बलभद्र सिंह वर्मन को बाली कर्ण के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बहुत ही दानी था, बहुत दान करता था। उसमें 42 ताम्र पत्थर दान पुण्य से रिलेटेड ही पाए गए हैं बलभद्र सिंह वर्मन के नाम के, जो कि चंबा के हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हैं, तो कुल इसीलिए इसको हम बाली कर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इतना दानी था तो क्या हुआ, जो खजाना था वो खाली हो गया। जब खजाना खाली होने लग पड़ा तो दरबारी जो थे उन्होंने क्या किया, उसको सिंहासन से अपने हटा दिया, अपदस्त कर दिया, और उसी के लड़के जनार्दन सिंह को क्या कर दिया, नया राजा बना दिया। अब जनार्दन सिंह नया राजा तो बन गया वो, लेकिन कुछ समय तक ही रहा। उसने लगभग 10 साल तक शासन किया, 1613 से लेकर 1623 तक जो था जनार्दन सिंह राजा रहा। ऐसा माना जाता है कि बलभद्र ने जो बलभद्र सिंह वर्मन जो था, जिसका वो लड़का था जनार्दन सिंह, उसी ने क्या किया, उसको मार दिया और दोबारा क्या बन गया, राजा बन गया बलभद्र सिंह वर्मन। तो ये तो था अभी तक की इसके बारे में। अब आगे जो आता है वो आता है जनार्दन सिंह के बारे में, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक आध बार रिवाइंड करके दोबारा देखें, रोक के देख लें, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख रखे हैं। तो अगली वीडियो में हम चंबा की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अगली वीडियो तक फ्रेंड्स, गुड बाय। हाँ, अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली से सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।